केजी वेकअप, चलना है अपने को। उठ जाओ जल्दी, 8 बज गए। चलो उठ जाओ, मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। सो हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 9th of April और day 3 ऑफ माई व्लॉगिंग। एनी वेज, मैं रेडी हूँ, हम निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए और वो है दिल्ली। मैं और एंकी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए और हमारे साथ चल रहे हैं विकी और मुकुल, जिन्हें आपने देखा था लास्ट व्लॉग में मेरे। तो बस हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, ऑल सेट। बस 5 मिनट में निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। लाइट ऑन कर दो। गुड मॉर्निंग मम्मी, पापा। गुड मॉर्निंग। गले लगा ला आराम से। हाँ चले। तो फाइनली गाइस, हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए वाया रोड। अंकित, कितने किलोमीटर सर? करीब 300 किलोमीटर है यहाँ से, तो 5-6 घंटे लगेंगे। मजा आने वाला है। यस एग्जैक्टली। वैसे हम दोनों को आदत है रोड ट्रिप्स का। हाँ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स करते हैं, ग्वालियर टू इंदौर, दिल्ली, देहरादून और कहाँ कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ, भोपाल, भोपाल। और हमारे साथ एक अच्छी बात है ना कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय बहुत करते हैं, क्योंकि मुझे कार चलाना पसंद है, ड्राइविंग बहुत पसंद है। और केजी जितने भी गाने आते हैं ना, उसके साथ जो कैरेओके होता है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल, वो मजा अलग ही है। हाँ, नहीं मुझे शौक भी है गाने का। तो जब म्यूजिक शुरू होता है ना, मतलब जब म्यूजिक बजता है तो मैं भी थोड़ा धीरे 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 गाना शुरू कर देती हूँ, मजा आता है। और एंकी को भी इक्वल इंटरेस्ट है, एंकी भी गाना गाता है। और मेरा एक सवाल है आप सभी से, आप बता सकते हैं कि केजी का फेवरेट सिंगर कौन है? और एक हिंट है, लेजेंडरी सिंगर है और साथ में उन्होंने तेरे नाम मूवी में गाने गाए। तो अब आप बताइए कि कौन है वो? उदित नारायण। आप कमेंट में उदित नारायण लिख दीजिए, बस मुझे खुशी हो जाएगी। एक्चुअली एंकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम ऐसे ट्रैवलिंग शुरू करते हैं ना अपनी रोड ट्रिप, तो फिर मोस्टली उदित नारायण के सॉन्ग्स में प्ले करते हैं। हम लोग 90s के गाने ही सुनते हैं और 90s के सॉन्ग्स बेस्ट, ट्रैवलिंग में बेस्ट एकदम, मजा बिल्कुल। और फिर हिमेश रेशमिया इज आल्सो गुड यार, मजे आते हैं हिमेश के गाने में भी। सो गाइस, हम आ गए हैं विक्की के घर उसे रिसीव करने। हाय विक्की। हाय, हेलो, हेलो, हियर कम्स द स्मार्टी। मैं पहले तो हंसा भी था, इस बार तो ऐसे कर देते हो। मुकुल के टॉप लॉन्डो में, लॉन्डो में आता है ये। नहीं नहीं, मैं विक्की तो क्या है, नहीं एडिटिंग एडिटिंग अंकित दिया के हाथ में, एडिटिंग तो मेरे हाथ में, मैं ही करूंगा एडिटिंग। एडिटिंग मेरे हाथ में, मैं करती हूँ। अरे मैं हूँ, अरे आपके हाथ में एडिटिंग नहीं है, सब मेरे हाथ में। एंकी कह रहे एडिटिंग मैं करता हूँ केजी के व्लॉग्स की, जबकि ऐसा नहीं है, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। मैं कह रहा था आगे से लेफ्ट लेके चाय ले लेते। कितनी चाय पियेंगे यार, ये लोग चाय पीते जा रहे हैं। ये नहीं, थोड़ा सा बाईपास पे आके फिर लेते चाय, ठीक है? क्या बोलते हो गाइस? या वो मैगी वाले भैया पे रुक जाए। डन, मैगी वाले भैया। डन, मैगी वाले भैया। मैगी भी खानी है ना? हाँ हाँ हाँ, मैगी खानी है। विक्की वेल सेड। गाइस, यहाँ पर आगरा में एक जगह है जो कि इन लोगों ने ढूंढी है, वो भैया बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं। वैसे मैगी तो कहीं पर भी मिल जाए बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कहीं बाहर की हो, या हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, कहीं की भी हो, बहुत अच्छी बनती है बाहर मैगी। और पहाड़ों की मैगी की तो बात ही अलग होती है। खैर, बट अभी फिलहाल हम आगरा में रुकेंगे और वहाँ पर मैगी खाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना मैगी का शक्ल, मेरा मैगी का शक्ल कैसा है। ओके, डन डन।
लेदर का लेना है सामान, यहाँ बड़ा अच्छा मिलता है सामने। नहीं नहीं नहीं, स्लिंग बैग टाइप का कुछ? नो ब्रो, नो नो। चलो ब्रस की ये बाय, मैगी लेके आता। ओ यहाँ आ चुकी है मेरी मैगी। आपकी मैगी आ गई है मैडम। गाड़ी बंद हो गई। फिर से तुम आप में आ गए हैं कि? अरे तुम्हारी मैगी की जी, तुमने बंद कर दी गाड़ी? हाँ मैंने बंद करके फिर ऑन किया। गुड वन, अपने भी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी खेल रहे हैं, सब सेम की डायलॉग मारता हुआ विक्की। ठीक है, बढ़िया है, इसकी अच्छी है मैगी, अच्छी है। केजी पता है तुम वहां भी चल सकती थी, क्या कहते हैं अंदर वो लेदर शॉप में, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, अंदर बहुत गहरा था और भीड़ थी। हम लोग बस ऐसे ही गए थे अंदर, नहीं तो लेके आना था हम लोग को एक स्लिंग बैग, तो लेके आते। स्लिंग बैग अच्छा भी था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे, स्पेशली कभी आगरा आएंगे ना, दो तीन दिन के लिए प्लान करेंगे कभी आगरा, फिर जाएंगे तुम, मैं, विक्की, मुकुल। डन, विक्की तो आगरा आते रहता है। तो गाइस हम लोग रुके हैं कोस्टा कॉफी के लिए यहाँ पे, मैं और केजी। क्या भी होगी, एक कोल्ड कॉफी हो जाए अब, अच्छी सी कोस्टा की, क्या बोलते हैं, चलें। ये जगह कहाँ है वैसे? हम मथुरा पे हैं, बस वृंदावन वाला बोलते हैं। कॉफी तो हमेशा ही अच्छी होती है यार, हम लोग ना कॉफी लवर हैं, मतलब चाहे हमें कॉफी, चाय, मैगी, ये सब चीजें तो हम दोनों को खाने में जो मजा है ना, हाँ, सब इसकी वजह से, सारी आदतें इसकी वजह से लगी मुझे। कुछ नहीं है, एंकी को भी पहले से पसंद था, अब यहीं तुम्हें ही पसंद आ। चलो रुकते नहीं हैं कि फिर हम बहुत लेट हो जाएंगे दिल्ली के लिए। आज वहां चला गए हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, एंकी तुम्हें दिल्ली पसंद है? हां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी दिल्ली पसंद है, मुझे मुंबई दिल्ली दोनों जगह पसंद है। दिल्ली के बारे में कुछ बताओ। भूख लगी है तो सीपी चलते हैं और कुछ खाते हैं। एंड बाय द वे फाइनली हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ खाएंगे, सीपी जाके कुछ खाएंगे, अच्छा सा एक लंच करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। देखेंगे क्या करना है, सबसे पहले तो चेक इन करेंगे होटल में यार, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बिकॉज हमने 4-5 hours की रोड ट्रिप कर ली आज, तो थोड़ा सा तो थक गए हैं। ज्यादा थक गए, ज्यादा थक गए विक्की, थक गए विक्की तो यूज्ड टू इट, हम सभी यूज्ड टू हैं, बट थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है, तो फिर अभी हम चेक इन करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। आके जी क्या लग रहा है फिर? कुछ नहीं। So guys, we had our lunch. It was very tasty. बच भी गया तो हमने पार्सल करा दिया, किसी को दे दूंगी। और बस now we are heading to our hotel. थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे शाम को घूमने। आज हमें घूमना भी काफी बहुत है, आज हमें सीपी घूमना है पूरा का पूरा, और फिर इसके थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो ट्रैवलिंग वाली शॉपिंग रहती है वो करेंगे,
साथ में, और फिर उसके वाली शॉपिंग से याद आया, मैं इतने दिनों से आपसे कह रही थी कि थोड़ी छोटी छोटी शॉपिंग एंड ऑल दैट, तो बेसिकली हम कहीं दिल्ली से भी हम कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाए। मैं हिंट देता हूँ, अब्रॉड जा रहे हैं। चलो बाय गाइस। आप चिकन खाते हैं ना, लीजिए आप ये। थैंक यू। चलो कि वो जॉइंट है क्या? 407 एवरीवन, जैसे आपने देखा हम पहुंच गए हैं दिलवालों के शहर दिल्ली, और लंच करने के बाद हम होटल आए और ऐसे सोए हैं जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहीं सोए होंगे। थोड़ा सा टायर्ड थे शायद, इस वजह से हम ज्यादा सो गए, बट एनीवेज अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा बाहर की हवा भी लेते हैं, होटल से निकलते हैं बाहर निकलते हैं और थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, सीपी चलते हैं, दिल्ली का जो हार्ट जिसे कहते हैं कनॉट प्लेस वहाँ घूमते हैं और देखते हैं और क्या क्या करेंगे। जो भी करेंगे आपको मैं साथ लेके चलूंगी और आप भी मेरे साथ चलिए। गाइस हम आ गए हैं शाम के टाइम सीपी, और ये लड़की कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है अभी के लिए, ये ढूंढ रही है कि देखे कहाँ आ गए। इसके आगे मुझे आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये हम आ चुके हैं सीपी में। आज के लिए बस इतना ही, हम घूम रहे हैं सीपी जहाँ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं और बस बहुत सारी शॉपिंग की भी है और डिनर में भी बहुत मज़ा आया, और बस अभी कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब भी, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, ध्यान रखिए सब अपना। Bye. Bye guys, take care.